सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज की वीडियो में हम द रेड ट्रैप की समरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी ऑथर हैं सेलेमा लैगरलॉफ। तो आइए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक पेडलर की है जो कि अपनी लिविंग के लिए रेड ट्रैप सेल करता है, बैगिंग करता है और छोटी छोटी चोरियां भी करता है। उसके पास अपना खुद का घर नहीं है, इसलिए वो सड़क किनारे ही रहता और सोता है। तो इस पेडलर का अपना एक थॉट होता है कि ये पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है और इस दुनिया में जितने भी खुशियां हैं वो सारी की सारी बेट्स हैं, जिसके लालच में आकर हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि हम चूहे के लिए खाना लगाते हैं और उस खाने के लालच में आके चूहा उस ट्रैप में फंस जाता है। तो एक बार पेडलर शाम के टाइम पे शेल्टर मांगने के लिए इधर उधर लोगों के घर जाता है। तो बहुत सारे लोग उसको मना कर देते हैं, लेकिन एक ग्रे कॉटेज में वो जाता है जहाँ पर एक ओल्ड मैन रहते थे। जब वो उनसे शेल्टर मांगता है तो ओल्ड मैन बड़ी खुशी खुशी उसको अपने घर में बुलाता है और उसको रहने के लिए शेल्टर देता है। वो इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है कि इतने सारे लोगों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन इन्होंने इतनी खुशी से मुझे बुलाया। ओल्ड मैन उसको खाना भी ऑफर करता है और उसके साथ में पाइप भी स्मोक करता है, और वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है कि उसको अपने पास्ट के बारे में भी बताता है और उसको ये तक बताता है कि मेरे पास एक काव है जिसका वो दूध बेचता है और उसका दूध बेचकर उसने 30 क्रोनर्स अर्न किए हैं। और इस चीज को वो शो करने के लिए विंडो पे एक पाउच टंगा होता है जिसको वो लेकर आता है, उसमें से 3 10-10 क्रोनर्स के नोट निकाल के देता है। अभी क्रोनर्स क्या है? तो क्रोनर्स वहाँ की एक करेंसी की बात हो रही है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है उसी तरह से वहाँ की करेंसी है क्रोनर। तो रात होती है, रात में बातचीत करके वो दोनों सो जाते हैं और सुबह उठ के वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जाने के आधे घंटे बाद हमारा जो पेडलर है वो वापस उस कॉटेज में लौट कर आता है और विंडो को तोड़कर वहाँ जो पाउच टंगा हुआ था 30 क्रोनर्स का उसको चुरा कर चला जाता है। और वो उसको चुरा कर बहुत खुश होता है कि अब तो मुझे कुछ दिन काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास पैसे जो आ गए हैं। और वो उसको चुराने के बाद वो हाईवे को अवॉइड करके फॉरेस्ट के रास्ते से जाने लगता है, ये सोचकर कि अगर हाईवे पे जाऊंगा तो हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, फॉरेस्ट में मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फॉरेस्ट में चलता जाता है तब उसको रियलाइज होता है कि वो इस फॉरेस्ट में गुम हो चुका है। तब उसके मन में दोबारा से वो बात हिट करती है कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है और आज उस पैसों की खुशियों के चक्कर में वो भी इस ट्रैप में फंस गया है। वो इतना ज्यादा थक जाता है और अपनी हार मान लेता है ये सोचकर कि कभी वो इस फॉरेस्ट से निकल भी पाएगा या नहीं। तो वो थकान से जमीन पर सर रखकर लेटना लगता है, तब उसे कहीं से आयरन हैमरिंग की आवाज सुनाई देती है। आयरन हैमरिंग मतलब कोई लोहा पीट रहा हो। उस आवाज को सुनकर वो उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो उसको एक आयरन मिल दिखाई देती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उस आयरन मिल का नाम बताया गया है रैमसो आयरन मिल। तो मिल के अंदर जाता है वो और ब्लैक स्मिथ के पास जाके बोलता है कि क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। तो ब्लैक स्मिथ उसको वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन दे देता है। कुछ टाइम बाद उस आयरन मिल का जो ओनर था जिसको आयरन मास्टर बोला गया है वो वहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। जब आयरन मास्टर उस पेडलर को देखते हैं तो उनको वो अपने पुराने दोस्त कैप्टन निल्फ ओ लोफ के जैसे लगते हैं। तो उसकी वजह से वो उस पेडलर से कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अपनी क्या हालत बना ली, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर। तो एक बार को ये सुनकर पेडलर के मन में खुशी तो होती है कि ये मुझे अपना दोस्त समझ रहे हैं तो हो सकता है मेरी ये पैसों से कुछ मदद कर दे, लेकिन उसको फिर डर लगता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो हो सकता है बात बहुत बढ़ जाए। तो इस वजह से वो रिफ्यूज कर देता है उनके घर जाने से। तो आयरन मास्टर उस टाइम पे तो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी लड़की एडला विलियमसन को उसके पास भेजते हैं कि जाओ तुम उसे लेकर आओ। एडला जब आती है तो वो पेडलर को बोलती है कि आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको लेने आई हूँ क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए। तो वो पेडलर एडला को मना नहीं कर पाता और उसके साथ घर चला जाता है। घर जाके जब वो फ्रेश वगैरह होके शेव वगैरह करके आता है तब जो आयरन मास्टर है वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसके दोस्त जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब वो उससे पेडलर से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे दोस्त हो नहीं, तो पेडलर कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही जिद कर रहे थे मुझे अपने घर लाने के लिए, मैंने तो आपसे मना भी किया था। तो आयरन मास्टर उसको अपने घर से निकालने के लिए कहता है, लेकिन एडला उनसे कहती है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन है, उनको आज के लिए रुक जाने दीजिए। तो पेडलर इस चीज को भी देख के बहुत शॉक होता है कि ये लोग मेरी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे यहाँ रहने दे रहे हैं। तो सब लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग एडला और आयरन मास्टर चर्च के लिए जाते हैं और चर्च में जाके उन्हें पता चलता है कि एक पेडलर जो रेड ट्रैप बेचता था उसने ओल्ड मैन के घर से 30 क्रोनर्स चुराए हैं। एडला और आयरन मास्टर को उस पेडलर पर शक होता है और वो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े अपने घर आते हैं। आयरन मास्टर एडला से कहता है, तुमने देख ली अपनी अच्छाई करने का नतीजा, पता नहीं घर पे कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी। मतलब वो शक कर रहे हैं कि पेडलर ने अब तो हमारे घर से भी सामान सारा चुरा लिया होगा, जो भाई सिल्वर की स्पून थी वो भी चुरा के वो ले गया होगा। जब आयरन मास्टर और एडला अपने
घर आते हैं तो वो देखते हैं कि पेडलर वहाँ पर नहीं था। तो वो अपने नौकर से पूछते हैं कि क्या वो चला गया और क्या वो अपने साथ कुछ ले गया था। तो उसका नौकर बोलता है कि नहीं, वो खाली हाथ ही यहाँ से चले गए और आपके लिए एक गिफ्ट छोड़ गए हैं। तो एडला जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर एक रेड ट्रैप होता है जिसमें 30 क्रोनर्स फोल्ड करे हुए रखे होते हैं और उसके साथ में एक लेटर लिखा हुआ होता है। उस लेटर में लिखा होता है, नोबल मैस, यू ट्रीट मी एज अ कैप्टन, और नीचे उसके सिग्नेचर हो रखे होते हैं, कैप्टन वोन स्टेल। वो कहना चाह रहा है कि एडला तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मुझे कैप्टन की तरह ट्रीट किया, तो मेरा भी रिप्लाई तुमको एक कैप्टन की तरह ही होगा। ये रेड ट्रैप एक रेड की तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है कि तुमने मुझे इस दुनिया के ट्रैप से निकाला, और ये 30 क्रोनर्स तुम उसी ओल्ड मैन को जाकर लौटा देना जिसकी वजह से मेरे अंदर की ये बुराई निकल पाई है, और तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू, तुमने मेरे अंदर की अच्छाइयों को जगाया। तो इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है, और इस स्टोरी की यही सीख थी कि हर किसी के अंदर एक अच्छाई छुपी हुई होती है, जरूरत होती है हमें सिर्फ और सिर्फ उसको निकालने की। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर स्टडी मटेरियल लाइक वर्कशीट, सैंपल पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, रिवीजन नोट्स, जस्ट विजिट टू अवर वेबसाइट www.studiestoday.com। एंड इफ यू लव दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।